नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है सागर के खुरई से, जहां भगवान के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करने वाले पर नरियावली किशनपुरा जरुआ खेड़ा के लोगों ने थाना प्रभारी नरियावली को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में लेख है कि कथावाचक मुरारी बापू द्वारा भगवान श्री कृष्ण एवं उनके वंशज पर अशोभनीय आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मुरारी बापू श्री चित्रकूट धाम ट्रस्ट ग्राम महुआ जिला भावनगर गुजरात के द्वारा अपने प्रवचन में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अपमान हुआ। भगवान श्री बलराम जी के लिए बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर भारतीय जनमानस की श्रद्धा को हृदय तक झकझोर दिया है। इनके इस प्रवचन से भगवान श्री कृष्ण एवं श्री बलराम जी का आस्था और विश्वास रखने वाले करोड़ों धर्म प्रेमियों की आस्था पर गहरी ठेस पहुंची है। मुरारी बापू द्वारा अपने प्रवचन में श्री कृष्ण जी एवं उनके वंशजों पर भी घोर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच चुका है, जिसे समाज में वैमनस्य एवं घृणा की भावना को भड़काने के लिए जानबूझकर उकसाने का दुस्साहस किया गया है। इस अवसर पर सरपंच राम सिंह यादव, इंद्रपाल यादव, कृष्ण मुरारी यादव, बाबू यादव, राकेश यादव, नरियावली कैलाश यादव, अशोक पटेल, आनंद चौबे, शिव नारायण दुबे, हरिओम यादव, के यादव, सौरभ जैन, संदीप यादव, खैराई भूपेंद्र यादव, आशीष ओमकार, राम अभिजीत, सोनू पटेल, कैलाश सेन, नरेश आदि क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। अभी हाल में ही जो मुरारी बापू ने हम समस्त हिंदुओं पर और खासकर भगवान के वंशज पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उसे लेकर आज हम लोग थाना प्रभारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के माध्यम से हम सब मांग करते हैं कि उन पर तत्काल FIR दर्ज की जाए, क्योंकि उनके जो विचार हैं, उनकी जो व्यासपीठ के माध्यम से उन्होंने जो यादव समाज परिवार पर, भगवान के वंशजों पर और हिंदुओं पर जो गलत टीका टिप्पणी की, उसको हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में इसको लेकर हम एक बड़ा आंदोलन पूरे देश प्रदेश में चलाएंगे। इसलिए हम लोगों का कहना है कि तत्काल बाबूजी को गिरफ्तार किया जाए और ऐसे ढोंगी संत जो भगवान के खाते हैं और भगवान के नाम को बदनाम करते हैं, हम लोग ऐसे संतों का बहिष्कार करेंगे। उस संत समाज से भी हम लोग ये मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि मुरारी बापू को संत समाज से निलंबित किया जाए और उनकी संत समाज की जो उनको मान्यता है उसको नष्ट किया जाए। खुरई से करता यादव की रिपोर्ट।